नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आप में से बहुत अधिक लोगों के मेरे नंबर पर मुझे मैसेज और कॉल रिसीव होते हैं और सुबह 10 से 1 बजे के दौरान जिन भी लोगों से बात हो पाती है उनमें से लगभग 60 से 70% ऐसे युवा या फिर कहा जाए पुरुष होते हैं जिन्हें शुक्र तारल्यता अर्थात शुक्र के पतलेपन की शिकायत होती है। मुझे बार बार एक चीज सुनने को मिलती है कि हमने पहले कुछ ऐसे कार्य किए थे जिसके चलते हमारा वीर्य अभी बिल्कुल पानी के समान हो चुका है, पता नहीं उसमें शुक्राणुओं की संख्या बाकी बची भी है या नहीं, और इसी के कारण हम अभी शीघ्र पतन, स्वप्न दोष और भी ना जाने किन किन प्रकार की यौन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसी के चलते हमारा शारीरिक विकास और हमारी काम इंद्रिय का विकास अच्छी प्रकार से नहीं हो पाया, तो इस समस्या को लेकर मुझे लगा कि क्यों ना आप सभी के समक्ष एक विशेष वीडियो बनाया जाए। तो दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए तीन बहुत ही खास नुस्खे लेकर आया हूं जिनका प्रयोग कर आप इस समस्या से सदा सदा के लिए छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। मेरे तीन नुस्खों वाले तरीकों की तरह पहला नुस्खा सर्वजन सामान्य के लिए होगा, अर्थात किसी भी आय वर्ग का व्यक्ति इसे बड़ी ही आसानी से अपने घर पर बनाकर प्रयोग करके लाभ की प्राप्ति कर सकता है। वहीं दूसरा नुस्खा मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए होगा जिसकी कीमत अवश्य थोड़ी अधिक होगी परंतु लाभ भी आपको अधिक प्राप्त होगा। वहीं तीसरा नुस्खा अवश्य ही अधिक महंगा रहने वाला है परंतु लाभ भी उसकी कीमत के अनुरूप आपको प्राप्त होगा। हाँ एक बात आपको अवश्य ध्यान रखनी होगी, आप चाहे कोई भी नुस्खा प्रयोग करें परंतु आपको एक कार्य, किसी भी नुस्खे को प्रयोग करने से पूर्व, किसी भी आयुर्वेदिक दवा को प्रयोग करने से पूर्व करना चाहिए। वो कार्य क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा परंतु वीडियो के अंत में। यदि आप इनमें से किसी भी नुस्खे को प्रयोग करने की इच्छा रखते हैं, करना चाहते हैं या करेंगे तो वो कार्य अवश्य कीजिएगा, तभी आपको उत्तम से उत्तम लाभ की प्राप्ति हो पाएगी। तो चलिए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रोबिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। पहला नुस्खा जिसके लिए आपको आवश्यकता होगी, कोच के बीज का चूर्ण लगभग 5 ग्राम की मात्रा में, 20 ग्राम उड़द की दाल का चूर्ण, और यदि आप इस नुस्खे का प्रयोग सर्दियों में करते हैं तो 3 से 4 छुहारे भी अवश्य ले लीजिएगा। अब इन सभी को आप लगभग 250 ग्राम दूध के अंदर अच्छी प्रकार से मिलाकर डालकर उबाले, जब दूध आधा रह जाए तब इसे उतार कर इसके अंदर धागे वाली मिश्री का बारीक चूर्ण और घी मिलाकर आप प्रयोग करें। लगभग 60 से 90 दिनों तक आपको इसका प्रयोग लगातार करना है। इस प्रयोग से ना केवल आपके शुक्र के पतलेपन की समस्या बड़ी ही शीघ्रता के साथ दूर हो जाएगी बल्कि आपके शारीरिक और मानसिक विकास में भी बहुत अच्छी वृद्धि आप अनुभव करेंगे। जो युवा अपने वजन ना बढ़ने की शिकायत, कुछ भी खाया पिया ना लगने की शिकायत से पीड़ित हैं वो एक बार इस नुस्खे का प्रयोग अवश्य करके देखें, आपके स्टैमिना में भी बहुत ही उत्तम यह वृद्धि करता है। हालांकि किसी भी उम्र का व्यक्ति इसे प्रयोग कर सकता है परंतु इस दौरान आपको ध्यान रखना होगा कि आपका पेट खराब ना रहे, अन्यथा आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। इस नुस्खे की कीमत यदि लगाई जाए तो अधिक से अधिक 20 से 25 रुपए प्रतिदिन से अधिक नहीं होने वाली। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे नुस्खे पर। इसके लिए आपको आवश्यकता होगी शुद्ध शिलाजीत लगभग 100 ग्राम की मात्रा में, गिलोय सत्व, सेमल के गोंद, शीतल चीनी, छोटी इलायची के बीज, सफेद बहमन, विदारीकंद, तामलखाना, दालचीनी, पलास का गोंद, इमली के बीज बिना छिलके वाले, ध्यान से सुन लीजिए, इमली के बीज बिना छिलके वाले और मोच रस। आप इन सभी को 50-50 ग्राम की मात्रा में लेकर खूब अच्छी प्रकार से शिलाजीत के साथ घोट लीजिए। अब इसके अंदर आप प्रवाल पिष्ठी नंबर 1, मुक्ता पिष्ठी नंबर 1 और कांत लो भस्म 10-10 ग्राम की मात्रा में लेकर अच्छी प्रकार से मिला ले। अब इस चूर्ण को आप जितना अधिक खरल करेंगे उतना आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। 3 से 4 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम मिश्रे मिले हुए दूध के साथ आपको इसका प्रयोग करना है। केवल 7 से 10 दिनों में ही आपको अपने वीर्य के पतलेपन की समस्या में लाभ की प्राप्ति हो जाएगी, वो समस्या दूर हो जाएगी।
ना केवल यह समस्या दूर होगी बल्कि उसके अंदर मौजूद शुक्राणु की संख्या में भी बहुत उत्तम वृद्धि आप अनुभव करेंगे। इसी के साथ शुक्राणु की गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी। जी हाँ, गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण होती है, उसमें भी वृद्धि होगी। लगातार इस नुस्खे का प्रयोग करने पर आपके समस्त धातु संबंधी दोष दूर हो जाते हैं। प्रमेह, स्वप्न दोष, शीघ्र पतन, मूत्र व संस्थान से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएं तुरंत प्रभाव से दूर होना प्रारंभ हो जाती है। शरीर के बल में अद्भुत वृद्धि आप अनुभव करेंगे। इस नुस्खे की कीमत लगभग लगभग 2,500 से 3,000 प्रति माह के करीब बैठेगी, इससे अधिक नहीं होने वाली। और ये सभी औषधियां आपको बड़ी ही आसानी से अपने आसपास के आयुर्वेदिक दवाइयों के विक्रेता के पास मिल जाएंगी। अब आते हैं अपने तीसरे नुस्खे पर। सर्वोत्तम लाभ दिखाने वाला यह नुस्खा अपनी पहली खुराक से ही लाभ दर्शाना प्रारंभ कर देता है। किसी भी प्रकृति का, चाहे वो वातज प्रकृति का पुरुष हो, पितज या कफज, किसी भी प्रकृति का पुरुष निसंकोच होकर इस निरापद नुस्खे का प्रयोग करके लाभ की प्राप्ति कर सकता है। इसके लिए आपको आवश्यकता होगी 5 ग्राम केसर, 4 ग्राम जावित्री, 3 ग्राम चांदी की भस्म, 2 ग्राम योगेंद्र रस, 1 ग्राम स्वर्ण भस्म। इन सभी को खूब अच्छी प्रकार से खरल करने के पश्चात आप इसके अंदर लगभग 7 ग्राम की मात्रा में वंशलोचन, 6 ग्राम की मात्रा में जायफल और 5 ग्राम की मात्रा में छोटी इलायची के बीज का चूर्ण बनाकर बारीक पाउडर जितना आप बनाएंगे उतना अधिक आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसके लिए आपको खरल अधिक से अधिक करना होगा। अब प्रतिदिन 2 से 4 रत्ती की मात्रा में रात को सोने से 2 घंटे पूर्व मीठे पान के अंदर रखकर आप इसका प्रयोग कीजिए। तुरंत आपको लाभ प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। बहुत ही उत्तम यह नुस्खा है। नपुंसकता नाशक यह मां औषधि समस्त प्रकार की प्रमेह दुर्बलता, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, हर प्रकार की दुर्बलता के साथ साथ समस्त धातुगत विकारों को बड़ी ही शीघ्रता से दूर करने लग जाता है। आप में से कुछ ऐसे दर्शक हैं जो हर चीज का शॉर्टकट ढूंढने का कोशिश करते हैं। उनका एक ही कमेंट बार बार मुझे मिलता है, कोई एक चीज मुझे बताइए जो हर प्रकार की यौन दुर्बलता, यौन समस्या में प्रयोग करके लाभ की प्राप्ति की जा सके। तो मैं इस नुस्खे का नाम लेना चाहूंगा। निसंकोच होकर मैं लगभग लगभग अपने हर मरीज को इसका प्रयोग करवा सकता हूं और लाभ की प्राप्ति भी होगी। बिल्कुल ही निरापद सर्वोत्तम लाभ देने वाला यह नुस्खा किसी अनुभवी वैद्य के माध्यम से ही आप बनवाकर प्रयोग करेंगे तो आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये थे वो नुस्खे। और अब मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपसे एक बात कही थी, किसी भी नुस्खे को प्रारंभ करने से पूर्व आपको एक कार्य करना होगा। वो कार्य है कोष्ठ शुद्धि। जी हाँ, किसी भी आयुर्वेदिक दवा को प्रारंभ करने से पूर्व, किसी भी आयुर्वेदिक नुस्खे को प्रारंभ करने से पूर्व, यदि आप चाहते हैं कि आपको पूर्ण से पूर्ण, शीघ्र से शीघ्र और उत्तम से उत्तम लाभ की प्राप्ति हो, तो पहले एक बार पेट की अपनी अच्छे से सफाई कर ले। किसी मृदु विरेचक की सहायता से, चाहे वो इसबगोल हो, अरंड का तेल या फिर त्रिफला ही क्यों ना हो, उसके माध्यम से आप हल्के फुल्के दस्त लगाकर पेट की अच्छे से सफाई करें। तत्पश्चात औषधियों को लेना प्रारंभ करें। जो आपको लाभ की प्राप्ति होगी उसमें अवश्य ही आप कई गुना तक वृद्धि अनुभव कर पाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है और चाहते हैं कि हम आगे भी इस प्रकार की जानकारी आपके लिए लेकर आते रहे, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाने से पहले अपने विचार नीचे कमेंट्स के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी हमें आज्ञा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।